स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर। आज की एक खबर जिसमें निदेशालय से आपको हम वो लेटर दिखाने वाले हैं जो 13 नवंबर 2019 को अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया था, जो कि आपका लाभार्थियों के सर्वे और सत्यापन को लेकर के उत्तर प्रदेश की हर एक बहन के लिए। तो कहना चाहूंगा यहां पर लिखा है कि जनपद बहराइच को छोड़ करके जितने भी समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारी हैं उनको जो है निदेशालय की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। तो इस लेटर के बारे में हम आपको दिखाएंगे और ये लेटर किसका है, शत्रुघ्न सिंह जी हैं निदेशक आपके, उनका ये लेटर रहा। तो आइए इसके बारे में हम आपको दिखाने वाले, सर्वे सत्यापन को लेकर के क्या क्या बातें कही जा रही हैं। लिखा है कि निदेशालय पत्र संख्या दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ 11 अक्टूबर 2019 द्वारा जो बताया जा रहा है लाभार्थियों के सर्वे और सत्यापन के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर संकलित सूचना आंगनबाड़ी केंद्रवार दिनांक 5 नवंबर 2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, किंतु अभी तक आप द्वारा जो उक्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, इससे परिलक्षित होता है कि आप द्वारा जो शासकीय कार्य हैं उनमें रुचि नहीं ली जा रही है। तो ये लेटर जो लिखा गया है वो आपके समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारी को लिखा गया है, निदेशालय से निदेशक जी ने लिखा है, लेकिन काम जो निचले पायदान पर जो बहनें ही करती हैं, आप सब करती हैं, तो यहां पर जो ड्यूटी होती है वो आपकी मेन ड्यूटी होती है। जब निचले स्तर से काम पूरा हो जाएगा तभी अधिकारी लोग ऊपर जो है सूची बना करके भेजेंगे। अभी आपको हम इसके बारे में और सब कुछ दिखाने वाले हैं। लिखा है कि जो शासकीय कार्यों के प्रति आपकी लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक है, अतः आपको पुनः जो है निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय यानी कि निम्नलिखित प्रारूप पर जो सूचना तत्काल निदेशालय के योजना अनुभाग में हार्ड कॉपी तथा ईमेल आईडी वगैरह दी हुई है, एसएनपी और वगैरह करके एसयूपी वगैरह करके यहां पे साइट दी है उनकी जो जीमेल आईडी है। साथ ही कहना चाहूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो सीट है उस पर मांगा गया है इस सूचना को उपलब्ध कराया जाएगा, इस डाटा को। तो यहां पर आपके सामने जो हम दिखा रहे, नीचे लिखा हुआ, नीचे यह भी साफ तौर पर बता दिया गया यदि आप द्वारा उक्त तिथि तक सर्वे सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा लेटर में लिख करके भेज दिया गया। सर्वे सत्यापन का प्रारूप दिया है, यहां पर आपको डिटेल से पूरी खबर दिखाने वाले किस तरह से वहां पर मांगा गया है, परियोजना का नाम, कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, जो स्वीकृत केंद्र है और संचालित केंद्र है दोनों का खाका मांगा गया है, कुल मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है, उनका योग कितना है, यहां पे जो संचालित होने वाले केंद्र है उनके बारे में कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या और कुल मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, साथ ही उनका सबका योग। तो यहां पर जो कि पहला आपने प्रारूप देखा उसमें आपका स्वीकृत केंद्र के बारे में पूछा गया, संचालित केंद्र के बारे में पूछा गया, दोनों की तरह अलग अलग मांगे गए रिकॉर्ड। आगे आप देख सकते हैं सर्वे के अनुसार जो संख्या है वो यहां पे पूछी जा रही है, जैसा कि लिखा है परियोजना का नाम और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, 0 से 6 माह आयु के बच्चे कितने हैं और 6 माह से 3 वर्ष जो आयु के बच्चे कितने हैं, वहीं पर 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के बच्चे कितने हैं, उन सब का योग आपका कालम 4, 5 और 6 यानी कि यहां से यहां तक का योग जो है इसमें 7वें कॉलम में भर करके फिर जो है डाला जाएगा। उसके बाद में आगे आप देख सकते हैं कि यहां पर जो इतना बचा है, लिखा है गर्भवती महिलाएं कितनी है, धात्री महिलाएं कितनी है, साथ ही साथ इसमें लिखा है किशोरी बालिका 11 से 14 वर्ष की आयु की स्कूल ना जाने वाली कितनी है, उसका यहां पर डाटा मांगा गया। तो हो सकता है आपके परियोजनाओं पर आपकी सुपरवाइजर बहनों के जरिए आप लोगों से इस तरह के जो बच्चे हैं उनकी संख्या है, चाहे गर्भवती महिलाएं हों चाहे 0 से 6 माह के बच्चे हों, इन सबके बारे में आपसे डाटा मांगा जा रहा होगा, जिसके बारे में उन लोगों को आगे सूचना भेजनी है अधिकारियों को, वो निदेशालय स्तर पर उनको भेजनी है। तो कहना ये चाहूंगा आप लोगों से इसको पूरा डिटेल से देख लीजिए, समझ लीजिए आपके काम की खबरें। पंजीकृत संख्या के बारे में भी यहां पर जानकारी बताई जा रही, जैसा कि 0 से 6 माह जो आयु के बच्चे हैं उसका योग कितना है, साथ ही 6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चे कितने हैं और साथ ही 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के बच्चे कितने हैं और योग उनका 11, 12, 13 कॉलम का 14 वाले कॉलम में भर करके फिर जाएगा। वहीं पर गर्भवती महिलाएं कितनी है, धात्री महिलाएं कितनी है और इन सब के बारे में ये आपको हम बता चुके हैं। आगे हमारे पास जैसा कि कहना चाहूंगा ये रही, ये रहा वो फार्म, पंजीकृत संख्या के सापेक्ष वास्तविक लाभार्थियों की संख्या। दरअसल ये वाला हमने ऊपर वाला 2 बार आपको बता दिया। अब कहना चाहूंगा कि पंजीकृत जो संख्या है उसके सापेक्ष जो वास्तविक लाभार्थियों की संख्या कितनी है उसके बारे में भी यहां पर डाटा मांगा जा रहा है। जैसा कि 6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चे एक तरफ लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ आपके हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे,
3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे और इधर हैं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे। तो पहले देख लेते हैं तीन जो 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें क्या क्या कालम बने हैं। लिखा है स्वयं का आधार वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है, वहीं पर ऐसे लाभार्थियों की संख्या जिनका आधार कार्ड नहीं बना है उनकी भी अलग संख्या मांगी जाएगी और जिनका जो आधार कार्ड बना है उनकी अलग संख्या। ये है आपका 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे। अब यहां पर हम आपको दिखाते हैं, अब बात आती है यहां पर 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के बच्चे। तो यहां पर 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका जिनका आधार बना है उनकी अलग संख्या, जिनका आधार नहीं बना है उनकी अलग संख्या, फिर ये सभी भरी जाएंगे। उसके बाद में इन दोनों का भी योग दोनों में आपसे मांगा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर भी योग और यहां पर भी दोनों का योग। तो इसके बारे में भी आप लोग जान चुके। अब आपसे आपको हम दिखाने वाले हैं जैसे कि गर्भवती महिलाओं को लेकर के भी यहां पर पोस्ट में लिखा है, जैसा कि लेटर का प्रारूप जो आप ये कह रहा है कि स्वयं का आधार वाले लाभार्थियों की संख्या योग वगैरह यहां पर मांगा जा रहा है। नीचे लिखा है ऐसे लाभार्थियों की संख्या जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, जिनका आधार कार्ड नहीं बना है गर्भवती महिलाओं की बात की जा रही है, तो वहां पर उनका भी यहां पर कालम बना हुआ, साथ ही उनका योग 24 और 25 का, तो जिसमें आप भरेंगे गर्भवती महिलाएं हैं जिनका आधार जो है बताया जा रहा है लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से। वहीं पर धात्री महिलाएं हैं उनको लेकर के यहाँ पे बातें कही जा रही कि स्वयं का आधार वाले लाभार्थियों की संख्या और ऐसे लाभार्थियों की संख्या जिनका आधार कार्ड नहीं बना है वो भी, साथ में इनका सभी का कुल योग भी। तो इस तरह से आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए बहनों कि आपके वहां पर लाभार्थी कितनी है, आधार कितनों का बना है कितनों का नहीं बना है, कैसे कितने माह के बच्चे हैं उनमें भी, जैसे 0 से 6 माह का मैंने आपको प्रारूप दिखाया, ये सभी चीजें आपसे मांगी जाएंगी तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। कहने का यह मतलब अगर समय से पहले आपकी तैयारी होगी। यहां पर लिखा है 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, अब इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में आपके आधार वाले कितने हैं और बिना आधार वाले कितने हैं, वैसे ही 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे उनमें भी आधार वाले कितने हैं और बिना आधार वाले कितने हैं। तो इन सबका डाटा जब अलग अलग आपके पास होगा तब अभी आप सही आंकड़े जो है बता पाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। नीचे आपसे कहना चाहूंगा यहां पर लिखा है किशोरियों को लेकर के, किशोरी जो बालिकाएं हैं 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल ना जाने वाली उनके बारे में भी यहां पे बात कही जा रही है। स्वयं का आधार वाले लाभार्थियों की संख्या बताई जा रही है उसके बारे में भी बताएं और ऐसे लाभार्थियों की संख्या जिनका आधार कार्ड नहीं बना है उसके बारे में भी बताएं। यहां पर उनका दोनों का योग भी यहां पे मांगा जा रहा है। तो किशोरी बालिका 11 से 14 आयु की जो स्कूल ना जाने वाली है उनके बारे में भी हमने आपको अवगत करवा दिया। तो कहना चाहूंगा शत्रुघ्न सिंह जी निदेशक जी का ये रहा लेटर जो आपका आप लोगों के सामने। तो अब आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि ये सच्ची खबरें हर एक बहन के पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों अगली हमारे पास जो खबर है आप लोगों को देने के लिए वो कुछ इस तरह से है। उसके बाद में भी और भी वीडियो आ जाने वाले हैं आपके, चाहे सुधांशु पटेल चैनल पर आएँ, चाहे फिर आपके ऑल इंडिया पर आएँ या फिर आपके फेसबुक पेज पर आएँ, तीनों जगह आप जो है अपनी नज़र बनाए रखना, तीनों जगह जुड़ जाइए और समय समय पर आपको हर तरह की खबरें मिलती रहेंगी। यहाँ पे लिखा है जांच में फंसे हैं कई आंगनबाड़ी भवन। दरअसल महाराजगंज में ये न्यूज़पेपर में निकल के अभी ये सामने बातें आई थी कि वहाँ पर जो है एक तरह का घोटाला जो समझ सकते हैं, शोषण या अत्याचार समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मनमानी जो की गई है। दरअसल वर्ष 2016 से 17 में 185 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होना था, जिसके बात को लेकर के यहाँ पे खुलासा हो रहा है। लिखा है निर्माण के लिए क्षेत्र पंचायत व REES वगैरह को कार्यदायी संस्था बनाया गया था। वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए क्षेत्र पंचायत व आपका REES को कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अभी भी सभी जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको कार्यदायी संस्था ने जो हैंडओवर नहीं किया है। कई आंगनबाड़ी भवन में शौचालय और दरवाजा आदि का कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ। शैलेंद्र कुमार हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी, उन्होंने जब इसके बारे में चेकिंग वगैरह थोड़ी बहुत की है तो उसके बारे में जानकारियां निकल के सामने आई हैं। तो यहां पर और भी बातें बताई जा रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी भवन निर्माण में कार्यदायी संस्था की मनमानी से बच्चों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। वर्ष 2016 से 17 में जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 185 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाना था। बजट मिलने पर भवन निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था का एक चयन कर लिया गया, लेकिन करीब 3 वर्ष बाद भी सभी जो आंगनबाड़ी भवनों को कार्यदायी संस्था ने बाल एवं पुष्टाहार विभाग को हैंडओवर नहीं किया है। कार्यदायी संस्था ने दर्जनों आंगनबाड़ी भवनों को अधूरा छोड़ दिया। यही समस्याएं आती रहती हैं
केंद्र बनने के लिए पैसा जारी हो जाता है, हर साल भी जारी होता है, सैकड़ों की पोस्टें आती हैं, मुख्यमंत्री ही बोलते हैं, कई कई हमारे निदेशालय के बड़े अधिकारी बोल देते हैं कि इतनी आंगनबाड़ी केंद्रों का हम निर्माण कराएंगे, गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा भवनों में। तो ऐसी समस्याएँ आती हैं, ऐसी पोस्टें आती हैं, लेकिन उनके लिए जो मद जारी बोला होता है यानी कि पैसा बजट बोल सकते हैं, तो वो कहाँ जाता है, कहाँ लगता है, उसका कोई अता पता नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे ही समस्या जो आपकी महाराजगंज जिले में आ रहे 185 जो आंगनबाड़ी केंद्र बनने थे, दरअसल उसका काम अधूरा है और उसका कहाँ तक सब कुछ हुआ है कुछ भी कोई बारे में जो जानकारियाँ नहीं निकल के आ रही हैं, तो इसी के बारे में आपको ये पोस्ट दिखाई। आगे कहना चाहूँगा ऐसे ही शोषण बढ़ता है, आप लोग आवाज़ ज़रूर उठाएँ, खबरों को हमें भेजें हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके। धन्यवाद दोस्तों।